दोस्तों, ये मैहर देवी का पार्ट टू वीडियो है। वीडियो करते करते बीच में वीडियो कट गया था, तो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए ऊपर दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप इस चीज़ को, इस आनंद को आप ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो मैडम थोड़ा देखिए अभी विश्राम कर रही हैं, काफ़ी थक गए हैं पैदल चल चल के, और लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सीढ़ी की जो चढ़ाई है बिल्कुल सीधी है, लेकिन जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप चढ़ाई कर रहे हैं, थकावट का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। और मौसम कितना सुहाना है देखिए, दोस्तों लोगों ने देखिए अपनी कुछ मन्नतें यहाँ पे मांग रखी हैं, तो जिनकी मन्नतें पूरी आती हैं तो यहाँ पर वो गीत मान के जाते हैं। आपको ये गीत, ये जो मन्नतें हैं, हर जगह बांधी में आपको मिल जाएंगी। तो देखिए हमारा लमसम 9, दोस्तों हमने लमसम 1057 हमने सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, और इतनी चढ़ाई सीढ़ी चढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ मेन जो द्वार है, मेन द्वार देखिए आ गया है, ये माता जी का मेन द्वार है। थोड़ा बजा दीजिए, आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए मंदिर हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और ये ऊपर का नज़ारा है शारदा मैया का। तो जो भक्तजन हैं वो सभी लोग देखिए लाइन में खड़े हुए हैं, और लाइन में ही लगा के सब लोग जा रहे हैं। भीड़ भी देखिए काफ़ी लगी हुई है, और ये देखिए ऊपर का नज़ारा कितना सुहाना है। दोस्तों देखिए मैडम जी हैं, घंटी बजा रही हैं, थोड़ा तो कस के बजाओ। जो भक्तजन हैं देखिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है, पार्ट वन जो हमारा था वो बीच में कट गया था किसी कारणवश, क्योंकि बारिश काफ़ी आ रही थी। तो ये पार्ट टू का जो वीडियो है आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर वीडियो लेना था मना है, तो अगर बीच में हम अगर वीडियो ना बना पाएँ तो उसके लिए खेद है। जय माता दी, 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 जय दोस्तों हम लोग अब देखिए मंदिर के घर में हम लोग आ चुके हैं। जय। तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और ये देखिए ऊपर से बाहर का जो नज़ारा है कितना अद्भुत है। ये दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट है, तो इस गेट से हमने दोस्तों दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और देखिए यहाँ पब्लिक कितनी आ रखी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
दोस्तों यहाँ पर देखिए आने के लिए रोपवे से भी लोग आ सकते हैं। देखिए लोग रोपवे से भी आ रहे हैं, तो हम जब अगली बार आएंगे तो रोपवे से आएंगे। लेकिन मंदिर आने का जो असली जो मान्यता है, जो लोग बोलते हैं कि जब तक पैदल ना हो तो भगवान भी तहत खुश नहीं होते, तो इसलिए हम लोगों ने पैदल आया है। और पैदल आने का मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों ये अखंड ज्योति का दर्शन है। यहाँ पर अखंड दीप जलते रहता है, तो लोग यहाँ पे अखंड दीप का दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, एकदम हरियाली है। तो दोस्तों देखिए रोपवे से जाने के लिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो अगर आप आते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन है रोपवे से जाने के लिए लगी हुई है। दोस्तों जो शारदा मैया हैं, मैहर देवी हैं, तो इनका जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शारदा मैया हैं, इनको मैहर देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम लोग अब देखिए नीचे उतर रहे हैं, जो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं आप देख सकते हैं कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, मगर आज आप चलेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप खड़ी सीढ़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों मैडम जी भी काफ़ी थक चुके हैं आराम से। दोस्तों देखिए ऊपर से हरे हरे खेत, और वो जो मेरे ख्याल से वो नदी, कोई नदी जा रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हरे हरे खेत, और ये इतना सुंदर यहाँ का जो दृश्य है मैं आपको वर्णन में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों देखिए कड़ी धूप में हमारे बाबा जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाबा जी राम राम। बाबा जी कितना आप लोग मिलता है यहाँ पे दिहाड़ी एक दिन का? 300 मिलता है। खाना पीना घर से लाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत है ना बाबा। दोस्तों देखिए पेट के लिए आदमी लोग कितना मेहनत करते हैं, तो बाबा जी की मेहनत को हम सलाम करते हैं। बाबा जी शारदा मैया की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक बाबा जी आराम। दोस्तों यहाँ लोग अपनी अपनी मन्नतें मानते हैं, और जिन लोगों का जो मन्नत पूरा होता है तो आकर के साथ गेट खोलना पड़ता है, ऐसा कुछ यहाँ पे मन्नत है। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी मन्नतें बांध रखी हैं। तो दोस्तों मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैडम जी भी काफ़ी थक चुकी हैं, धूप भी देखी निकली हुई है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।